हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीसाज ब्यूटीज़। आज मैं आप सबके लिए एक होममेड स्क्रब लेके आई हूँ। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपका स्किन ब्राइटर एंड ग्लोइंग दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ ये स्क्रब मैंने किस तरह से बनाया है और इनमें किन किन सामग्री का उपयोग किया गया है। इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेसन, ये इसका मेन इन्ग्रीडियंट्स है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे चोकर, ये आपका घर का वेस्ट होता है लेकिन मैंने यहाँ पे ब्यूटी के लिए इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लेंगे दही। दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रेश दही लेना है, बासी दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, मैं इसमें दही को अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। दही हमारे स्किन को क्लीन बनाता है। फ्रेंड्स, दही में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारी बढ़ती उम्र को कम करने में हमारी सहायता करती है और स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। इसके कारण हमारा स्किन ग्लोइंग दिखता है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे चोकर। फ्रेंड्स, चोकर हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है जिससे हमारे स्किन की सारी डेड स्किन निकल जाती है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। अभी स्क्रब बन के तैयार हो गया है। इसे अब आपको अप्लाई कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने चेहरे को फेस वॉश कर लें, फिर उसे अच्छे तरीके से सुखा लें। अब आप इसे अपने चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाएं और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर 10 मिनट के बाद आपको अपने चेहरे पर इसे स्क्रब करते हुए सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए आपको इसे रिमूव करना है और फिर ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। फ्रेंड्स, इसे आपको वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है। इस रेमेडी को आप इस्तेमाल ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये रेमेडी आपको कैसा लगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें वरना डिसलाइक कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।